अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद जावा, आई मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एज यू नो कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग का पता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि यूज़र और कंप्यूटर ने जब आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें आज हम जो है वो वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसको जावा कहते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है जावा प्रोग्राम्स का, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ की जाती हैं और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं, लूप कैसे यूज़ होता है, एरेज क्या होते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे करनी है और फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास डिफरेंट रेफरेंस और फर्दर बुक्स की डिटेल्स और साइट्स गिवन है, आप लोग इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं टू आई मीन फॉर टेकिंग सम हेल्प और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे जो आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में जो कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जावा का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसको कैसे हमने कंपाइल करना है, और हम एक सिंपल जैसे हम लोग कभी सी पढ़ते थे या सी प्लस प्लस करते थे तो हम ये देखते थे कि पहले हमने आउटपुट आई मीन कोई मैसेज है, सिंपल कोई स्ट्रिंग मैसेज है वो डिस्प्ले करना है, तो हाउ यू कैन राइट द स्टेटमेंट। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उससे पहले हमने एक छोटे बेसिक कुछ क्वेश्चन है कि प्रोग्राम क्या होता है। हम प्रोग्राम को कहते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, और हम कहते हैं वाई जावा एंड नॉट उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो यू कैन से कि यस कंप्यूटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस, दैट्स वाई हम लोग जो है उसको एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसके थ्रू वो बिहेव करता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल आई मीन द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम्स। इसमें हम लोग सबसे पहले क्लास मेंशन करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, देन यू हैविंग द मेन फंक्शन, मेन जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द मेन फंक्शन, एंड देन यू हैविंग द बॉडी स्टेटमेंट नंबर वन टू एंड सो ऑन। और ये जो कर्ली ब्रेसेस आपको नजर आ रही है ये इसका आई मीन आपको इसकी लाइफ बताते हैं कि इसकी स्टेटमेंट की जो लाइफ है वो कहाँ से कहाँ तक जो है बॉडी एग्जिस्ट करती है। जब हम बात करते हैं सपोज हम एक एग्जांपल कोड करते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है वो डॉट जावा के साथ हम उसको स्टोर करते हैं। इसके लिए हम लोग जावा डेवलपमेंट किट जेडीके और जावा एप्लेट्स यूज करते हैं, और इनको आप विंडोज के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लिनक्स पे भी इसको रन कर सकते हैं। तो हम लोग हमारे पास जो आउटपुट स्टेटमेंट है जो हम आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं वहां पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर सी की बात करें तो हम सी में यूज करते थे प्रिंट एफ, और जब हम लोग सी प्लस प्लस की हमने बात की तो वहां पर हम सी आउट यूज करते थे। सेम यहाँ पर जब आपने कोई स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करना है तो देन यू विल यूज द स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और देन आप एक स्मॉल ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे, देन यू हैविंग अ स्ट्रिंग मैसेज, डबल कोटेशन के साथ आप स्ट्रिंग मैसेज इंसर्ट करेंगे और आप इसको कंपाइल करेंगे तो देन यू विल सी द रिजल्ट हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपको शो हो जाएगा। देन कंपाइल करना, रन करना हम इसको कैसे करते हैं, एज यू नो कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती हैं जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो 01 फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, दैट्स व्हाई ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो में कन्वर्ट करते हैं। तो तीन तरह के ट्रांसलेटर नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो आपको पता होगा कंपाइलिंग एक प्रोसेस है, कंपाइलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड रिटन इन अ पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द कंप्यूटर रीडेबल मशीन कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, आई मीन इस फॉर्मेट में हमने चेंज करना है जिसको कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो हमारे पास एक हमने लिखा फर्स्ट कोड है, दिस कमांड जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, दिस कमांड विल प्रोड्यूस अ फाइल फर्स्ट डॉट क्लास व्हिच इज यूज्ड फॉर रनिंग द प्रोग्राम्स विद द कमांड जावा, एंड देन रनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर, मीन जावा फर्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। देन यू कैन से दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड एक मैसेज है, आउटपुट द स्ट्रिंग हेलो वर्ड फॉलोड बाय अ न्यू लाइन ऑन द स्क्रीन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है ये हमारी स्क्रीन है, आउटपुट द हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन, दिस स्ट्रिंग इज नॉट फॉलोड बाय अ न्यू लाइन, वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है। इसके लिए भी हम जैसे प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस की बात करते थे हम लोग वहां पर स्कैप सीक्वेंस यूज करते थे जो स्पेशल करेक्टर थे जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज किए जाते थे बैक स्लैश के साथ, तो देन यू विल बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन एंड बैक स्लैश टी फॉर टैब करेक्टर के लिए हम लोग एड करते हैं। सम कॉमन एरर्स इन द इनिशियल फेज ऑफ द लर्निंग प्रोग्रामिंग, मिसमैच हम हो सकता है, हम लोग
हर स्टेटमेंट को एंड सेमी कॉलन के साथ कर रहे हैं हम, अगर वो भूल जाएंगे तो देन यू विल सी द एरर्स। जैसे हम लोग डिबगिंग करते हैं, एक प्रोसेस है जिसने एरर्स को फाइंड करना है और उसको रिमूव करना है।